हाय गाइस, इंटरनेट पे आपने पोको X6 प्रो की ऑब्वियसली हाइप अभी तक देख ली होगी यार, पर जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ। 2018 में ना एक लेजेंडरी फोन आया था पोको F1 के नाम से। वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए फेमस था भाई, उसने फ्लैगशिप प्रोसेसर दे दिया था, 20,000 रुपए कह रहा हूँ। और इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो ये पोको X6 प्रो है पोको F1 का रियल सक्सेसर है। तो आज की वीडियो में एग्जैक्टली बताऊंगा इस फोन की सिचुएशन, और एक सरप्राइज भी है। मैं और मेरा टीम मेंबर पार्थ मिलके आज एक्सप्लेन करने वाले क्या ये फोन सच में अच्छा है। और मैंने इस फोन की परफॉर्मेंस और कैमरा को काफी डिटेल में टेस्ट करा है, ऑब्वियसली सारी बातें बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संजीत, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने का एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, पोको X6 प्रो का डिजाइन देखा जाए ना, तो लास्ट ईयर वाला जो पोको X5 प्रो था उसके मुकाबले लाइक थोड़े थोड़े चेंजेस करे हैं। जैसे कि X6 प्रो के अंदर ना अब थोड़ा सा बैक पैनल कर्व कर दिया है, इस वजह से जो इनहैंड फीलिंग है ना वो थोड़ी सी तो बेटर हुई है। और मटेरियल की बात करूं तो भाई पॉलीकार्बोनेट ये पूरा फोन है, बैक पैनल भी और फ्रेम भी, और इस प्राइस सेगमेंट में इन जनरल यही मिलता है। जैसे कि आइकोनियो 7 ये भी पॉलीकार्बोनेट है, और लास्ट ईयर वाला पोको X5 प्रो भी। एक छोटी सी बात बताऊं, ये जो पोको X6 प्रो का कैमरा मॉड्यूल है ना, इसके लेंसेस के अराउंड थोड़ी डस्ट आ जाती है, थोड़ा मुश्किल होता है साफ करना। वैसे पोको ने ना एक काम अच्छा कर दिया है, जैसे कि लास्ट ईयर जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर था ना X5 प्रो के अंदर, X6 प्रो में इन्होंने अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिया, अच्छा काम कर रहा है। बट सेम टाइम पे इस फोन में हेडफोन जैक नहीं मिलता, पोको ने अब डिसाइड किया कि नहीं देंगे भाई। बाकी मैंने इस फोन के स्पीकर्स में टेस्ट करे हैं, अपग्रेडेड है एक्चुअली में। देखो डॉल्बी एटमोस सपोर्ट करते हैं, डुअल स्पीकर्स है, बहुत फुल साउंड कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। बाकी इस फोन में IP54 रेटिंग मिलती है और बहुत अच्छा हैप्टिक फीडबैक डाला है। इन शॉर्ट मेरे को डिजाइन डिपार्टमेंट में ऐसा कोई शिकायत तो नहीं है। एक और बात जो मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर तरीके से मुझे रखनी चाहिए वो इसका डिस्प्ले डिपार्टमेंट है। आई नो ज्यादातर लोग इस फोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट को ही हाईलाइट करेंगे, जो कि एनी डे बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है, मैं भी बोलूंगा। बट मेरे हिसाब से इस फोन की जो डिस्प्ले है ना वो बहुत फैंटास्टिक है। देखो ये मेरे को ट्रेंड बहुत पसंद आ रहा है कि 1.5 की रेजोल्यूशन आने लगा है फोन में, वो भी मैं बोलूंगा 25,000 रुपीज के अराउंड हमें ये सब चीजें मिल रही है फाइनली। 2024 मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फोन मार्केट के लिए। इनफैक्ट बेजल्स देखो वो भी कम मिलते हैं, 6.67 इंचेस की डिस्प्ले है, 120Hz का रिफ्रेश रेट भी है, और जो 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है ना इस फोन में, वो मेरे हिसाब से जब HDR कंटेंट देखते हैं वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और फन फैक्ट ये कि जो पिछले साल पोको X5 प्रो था और पोको F5, इन दोनों से ज्यादा ब्राइटनेस है इस फोन की। और अगर मैं लास्ट ईयर वाले X5 प्रो से कंपेयर कर दिखाऊं X6 प्रो के आउटपुट को, तो मेरे हिसाब से आपको कैमरे पे भी पता लग जाएगा कि नो डाउट अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है कंटेंट देखने में। तो ऑब्वियसली यार 30,000 का फोन है, डॉल्बी विजन भी लेकर आ रहा है, तो डिस्प्ले की तो मैं ज्यादा तारीफ ही करना चाहूंगा। और जो बैटरी डिपार्टमेंट है ना, उसको सिंपली ये बोला जाएगा ट्राइड एंड टेस्टेड कॉम्बिनेशन फॉलो किया पोको ने। 5000mAh बैटरी, 67W चार्जिंग और बॉक्स में चार्जर है, आई थिंक ये ओके है। और अगर आप टेक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा एक्टिव हो, अभी तक आपको पता लग गया होगा कि Xiaomi और पोको अपने फोन में हाइपर OS लेकर आने वाले हैं, और ये फोन पहला है जो कि हाइपर OS के साथ आया है। और नो डाउट इंटरेस्टिंग तो है ये, क्योंकि ये फोन ऑलरेडी एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है। इनफैक्ट पोको जो प्रॉमिस कर रहा है कि 3 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट देगा और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी, तो भाई देखा जाए तो अपडेट पॉलिसी सॉर्टेड तो फील हो रही है। मैं सबसे पहले यही एड्रेस कर देता हूँ, आपको लग रहा होगा ना कि हाइपर OS और जो MIUI है उसके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, मतलब एटलीस्ट मैंने तो एक्सपेक्ट किया था। बट यार जब मैंने टेस्ट किया तो MIUI के मुकाबले कोई ज्यादा डिफरेंसेस मुझे अभी तक दिखे नहीं है। मतलब थोड़ी बहुत एनिमेशन में मुझे डिफरेंसेस दिखे अभी तक, बट लॉक स्क्रीन है जहां पर हाइपर OS बहुत रॉक कर देती है मेरे हिसाब से, क्योंकि काफी सारी चीजें मिलती है यहाँ पर। और ऑब्वियसली ये आईफोन से इंस्पायर्ड है, क्योंकि जो टाइम है, जो टेक्स्ट है, वो अगर ह्यूमन शॉट अगर आप लगाओगे वॉलपेपर पे तो उस सर के पीछे आ रहा है, जो कि बिल्कुल आईफोन जैसा है। और हाँ, इस फोन में प्री इंस्टॉल एप्स मिलती है, हमें सारी अनइंस्टॉल करनी पड़ेगी मैन्युअली। देखो अगर आप मेरे से पूछो मेरा एक्सपीरियंस कैसा है इस हाइपर OS का, तो मैं तो सेम ही बात रिपीट फिर से करूंगा, मुझे अभी तक एक्सपीरियंस सेम लग रहा है, बस फ्लूइडिटी है जो मुझे थोड़ी सी बेटर लग रही है। लाइक सच में स्मूथ तो है, बट हाँ देखते हैं लॉन्ग रन में कैसा रहता है। और अब फाइनली परफॉर्मेंस की बात करते हैं, और परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की वजह से ही इस फोन को नेक्स्ट पोको F1 बोला जा रहा है, क्योंकि MediaTek Dimensity 8300 अल्ट्रा चिप यूज करी है, और इस प्राइस में ये प्रोसेसर लियाना भाई बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और इसी वजह से इस फोन की आप हर जगह पे बहुत बढ़ चढ़ के तारीफें सुन रहे होंगे। बाकी इसमें UFS 4 स्टोरेज भी है और LPDDR5X रैम भी। परफॉर्मेंस को और डिटेल में अब PM के एक्सप्लेन करेगा। आप इस तरीके से बात समझो, UFS 4 इस प्राइस पॉइंट पर ना बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज यूजुअली हमें ये जो स्टोरेज स्पीड है ना 50 से 60,000 के प्राइस पॉइंट पर मिलती है,
एंड जब आप इस पोको X6 Pro की स्टोरेज स्पीड कंपटीशन से कंपेयर करते हो, वहां पे आपको पता चलेगा कि कितना मेजर डिफरेंस आता है। ऑलमोस्ट 4 GB की रीड स्पीड आ रही है एंड राइट स्पीड भी 3 GB के ऊपर है। मेरे हिसाब से ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वैसे रेफरेंस के लिए आपको बताऊं तो पोको X5 Pro में UFS 2.2 था, जबकि F5 में जो इससे महंगा X6 Pro से उसमें आपको UFS 3.1 मिलता है। एंड अगर मैं रैम की भी बात करूं तो यहां पे 12 GB की LPDDR5X रैम मिल रही है, जो अगेन प्राइस के हिसाब से एक काफी अच्छी चीज मानी जाएगी। जो पोको X6 Pro का एंटूटू स्कोर है वो 13 लाख से ऊपर का आता है, वेरैज जो X5 Pro का एंटूटू स्कोर है वो सिर्फ 5.3 लाख आता था। वैसे X6 Pro का जो स्कोर है वो F5 को भी बीट कर रहा है, जो इससे एक महंगा फोन है। और बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको दो और बड़े रेफरेंस देना चाहूंगा, iQOO Neo 7 और OnePlus 11R, इन दोनों से ज्यादा एंटूटू स्कोर पोको X6 Pro का आता है। और Geekbench के हिसाब से मैं बोलूं तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा अपग्रेड है। और हमेशा हमने देखा है कि जब कम प्राइस में अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है तो लोगों को डाउट होता है कि क्या इसमें थ्रॉटलिंग या फिर हीटिंग को देखने को नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली डाउट मेरा भी था, तो ये सीपीयू थ्रॉटलिंग का ग्राफ देखो, लग तो नहीं रहा कि हीटिंग इश्यूज हो गए। और वैसे मैंने इसके अंदर गेमिंग भी टेस्ट करी है, मैंने 30 मिनट्स के लिए जेंशन इंपैक्ट खेली थी मैक्सिमम सेटिंग्स पर, एंड मैं आपको बता सकता हूँ हीटिंग की एज सच मुझे कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिली इसके अंदर। और फ्रेम रेट भी मुझे कंसिस्टेंटली 60 मिल रहे थे। वैसे हम दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड करें तो थोड़ा टेम्परेचर भी कम है यहाँ पर। पिछले साल वाला X5 Pro Genshin Impact पे मैक्सिमम सेटिंग्स पर सिर्फ 25-30 FPS दे पा रहा था। अगर मैं कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करूँ तो वहां पे भी इस फोन को एक बिग एडवांटेज मिलता है कि ये फोन 120 FPS पे गेम खेल सकता है, और ये तो पक्का किसी ने इस प्राइस पॉइंट पे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि जो OnePlus 11R है 40,000 रुपए का, वो भी उस प्राइस पे 120 FPS COD में नहीं दे रहा। और अगर BGMI की बात करूं तो ये पोको X6 Pro इजीली 90 FPS पर गेम खेल सकता है। तो आपको क्लियर वर्ड्स पे बताऊं, इस प्राइस पॉइंट पे इस फोन की परफॉर्मेंस का कोई कंपटीशन नहीं है। अच्छा, अगर कैमरे की बात करूं तो X6 Pro में हमें 64+8+2 का सेटअप मिलता है। वैसे लास्ट ईयर हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था, सुनने में लग सकता है कि डाउनग्रेड है, पर ऐसा एक्चुअली में नहीं है। देखो, जो सबसे मेजर चेंज है X5 Pro के कैमरा में और X6 Pro में, वो ये है कि X6 Pro की फोटोज बहुत ज्यादा नेचुरल आती है, और जब मैंने ये स्पेसिफिक फोटो खींची इससे मुझे पता लग गया कि कलर साइंस में क्या मेजर डिफरेंस आया है। इनफैक्ट जो X6 Pro है वो शेडोज में नॉइज भी कम लेकर आता है, इनफैक्ट स्किन टोन भी जो है वो X6 Pro ही बेटर मैनेज करता है। बट मैंने एक चीज ये नोटिस करी, जो X6 Pro है वो आउटडोर कंडीशंस में हाइलाइट्स जो होते हैं ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाता। इसकी वजह से कुछ फोटोज थोड़ी सी ओवर एक्सपोज लग सकती है, एंड यहाँ पे एक्चुअली X5 Pro एक बेटर काम करता है। तो मेरा पोको को फीडबैक ये है कि अगर आपने ये इशू सॉल्व कर लिया तो फिर आपका कैमरा एक्चुअली में अच्छा हो जाएगा। और अल्ट्रा वाइड जो है वो 8 मेगापिक्सल का ही है, एंड टिपिकल 8 मेगापिक्सल वाली फोटोज ही खींचता है। बट हाँ, नाइट शॉट्स में X6 Pro एक बहुत मेजर इंप्रूवमेंट लेकर आता है ओवर X5 Pro, क्योंकि मैंने नोटिस करा कि डिटेल ज्यादा आ रही है, ज्यादा कलर्स रिटेन कर पा रहा है X6 Pro, इनफैक्ट नॉइज भी कम है, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है। अच्छा, सेल्फी की अगर बात करूं तो लास्ट ईयर की तरह 16 मेगापिक्सल का ही कैमरा है, बट प्रोसेसिंग में एक मेजर इंप्रूवमेंट आई है। X6 Pro जो है वो ज्यादा एक्यूरेट स्किन टोन्स और कलर्स प्रोड्यूस कर पा रहा है जब हम X5 Pro से कंपेयर करें तो। एंड ये सेम इंप्रूवमेंट हमें फ्रंट वीडियो में भी देखने को मिल रही है, बट सैडली वो अभी भी सिर्फ 1080p ही कर रहा है। और जो बैक कैमरा है वो लास्ट ईयर की तरह 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, बट यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट्स हैं। X5 Pro जो है वो थोड़े ज्यादा बूस्टेड कलर्स लेके आ रहा है, वेरस X6 Pro में ओवरऑल एक्सपोजर और कलर एक्यूरेसी मुझे मच बेटर लगी। तो देखो, ये कंपैरिजन से पता तो लग रहा है कि X6 Pro का ओवरऑल कैमरा जो है वो एक काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है ओवर X5। कंक्लूजन टाइम। मैं एग्जैक्टली मैं इस पोको X6 Pro के बारे में क्या सोचता हूँ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, कॉम्पिटिशन की तरफ देखा जाए तो नो डाउट ये पोको X6 Pro सुपीरियर फील हो रहा है। बस एक ही जगह पे मैं कमी निकालने जाऊं तो वो कैमरा डिपार्टमेंट ही होगा जो लाइक ओके है, नहीं तो बाकी सारी चीजें इस फोन की बहुत सही है। और काफी सरप्राइजिंग था कि यार इस साल पोको कैसे बैक टू बैक सुपर हिट लॉन्चेस कर रहा है। नो डाउट इनकी इमेज इस वजह से काफी ज्यादा सुधरने वाली है। ये बात भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने मेजर शिफ्ट देखा है लोगों के ओपिनियन में पोको को लेके। तो फिर से क्लियर वर्ड्स में बोल देता हूँ, जो ऑफर लगाने के बाद 25,000 रुपए का ये फोन मिल रहा है, आप ऑब्वियसली खरीद सकते हो। अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी है तो अभी फिलहाल ये फोन बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप क्या सोचते हो भाई इस पूरी सिचुएशन के बारे में, पोको ने ये सब कैसे किया है, आपको क्या लगता है, क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर जाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।